नमस्कार। बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल नवासी मेगाहर्स तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे सरलाह जिला के गोड़ेजा में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्स तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhadkanfm.com हमारे पत्रों साथी नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। सरलाई से कटुआ पिस्तौल सहित एक जने पकड़ा उपरल बाटे। लालबंदी नगरपालिका 15 रहे वाला एक जने पिस्तौल सहित से एक जने पकड़ा उपरल बने। पकड़ा उपरल में स्थानीय 50 वर्षीय रामलाल मुक्तान रहल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी या मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर से खटल संयुक्त प्रहरी के टोली मुक्तान के घर से ही पकड़ाव कैल बाटे। मुक्तान के अपने घर में लुका छिपा के राखल एक थान पिस्तौल सहित पकड़ाव कैल गेल। मध्य प्रदेश प्रहरी जानकारी दिल बाटे उनका साथ से एगो भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल आ उप मॉडल के एक थान मोबाइल समेत बरामद भइल। प्रदेश से प्रहरी के प्रवक्ता सुभाष चंद्र बोहराज बतलवाने मुक्तान के सरलाही जिला अदालत से हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा में 5 दिन के म्याद लेके अनुसंधान आगे बढ़ावल गई। प्रहरी जानकारी दिलवा राउतहाट प्रहरी राजस्व चुरा के नेपाल ले आ रहा करीब 6 लाख मूल्य बराबर के दवाई बरामद कैल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय राउतहाट से जारी कैल प्रेस नोट में इस सोमवार के रात 10:30 के समय में मोहतरी से काठमांडू की तरफ जा रहा मध्य प्रदेश 03001/799/5 नंबर की यात्रुवाहक बस के चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 पूर्व पश्चिम राजमार्ग के पौराई स्थित सड़क में रोके चेक जांच कैला पर बस के डिग्गी से राजस्व नुका के 11 कार्टून दवाई ले जा रहा अवस्था में बरामद कैले बैठे। रौतहाट प्रहरी के प्रवक्ता एवं DSP एलिजा गिरी बीमारी से अवस्था में बस से बरामद कर दवाई के अंदाजी मूल्य 6,04,008 से रहल मूल्यांकन करके आवश्यक कार्रवाई के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलही में बुझाल गई बतानी। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत परवला रौतहाट जिला चंद्रपुर नगरपालिका सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय लहावर्थ कड़ी में कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक असय सुजय सिंह के गन में तानल गई बटे। व्यापारी संग अवैध रकम वसूलल वीडियो सार्वजनिक भले बाद उनका के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 13 नंबर गन बीरगंज परसा में तान के छानबीन शुरू कल गई बटे। इस घटना से सशस्त्र प्रहरी के भ्रष्टाचार नीति के उदांग कर दहल बाटे त जनता बीच असंतुष्टि बढ़त गई बटे। असय सिंह व्यापारी संग अवैध रकम वसूलल वीडियो सार्वजनिक भले बाद सशस्त्र प्रहरी बल उनका के गन में ताने के निर्णय कल बटे। ITRB द्वारा वैदेशिक रोजगार विभाग के कार्यालय ताहचल में आज 10वां दिन घेराव प्रदर्शन कैले बाटे। आम जनता पार्टी आजपा निकट रहल ITRB वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र के पीड़ित सबके न्याय दिलावे के मांग करत आज 10वां दिन भी नारा जुलूस सहित वैदेशिक रोजगार विभाग के कार्यालय में घेराव प्रदर्शन कैले बैठे लोग। 9 दिन तक वैदेशिक रोजगार विभाग के कार्यालय अगड़ी धरना एवं घेराव करत आयल आंदोलनकारी सब सरकार हमनी के मांग संबोधन ना कैल कर सरकार के विरुद्ध में कड़ा नाराबाजी भी कैनी। सरकार विभाग के विरुद्ध में नारा जुलूस करत विभाग घेराव कैला पर भी सरकार कान में तेल डाल के बहिर जैसन भइल व्यवहार कर रहल गंभीर आरोप प्रदर्शन में उतरल लोग लगैनी। सरकार हमनी के मांग संबोधन ना कैल तक आंदोलन जारी रह के चेतावनी समेत आर्मी दिल बैठे। विद्यालय जा रहल एक जने बालक के नदी बहा दिले बाटे। मोरंग के केराबारी गांव पलका 4 यांग सिला के चित्र बहादुर राय के बेटा 11 वर्षीय श्याम राय के स्कूल जाए के क्रम में गोबी ने नदी बहा दिले बाटे। सवेरे 9 बजे नदी बहिला बाद उनकर लाश करीब 100 मीटर नीचे मिलल वार्ड अध्यक्ष प्रसाद तमांग बतलवानी। बालक केरवारी 4 चिवरी भंगजांग स्थित जन कल्याण माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 में अध्ययनरत रहने यांगशिला से स्कूल पहुंचे खातिर करीब 1 घंटा लगेला। विद्यालय जा रहा 5-6 जने बाल बाल के एक बेरी बाढ़ आयला नदी में घुसल रहे लोग। एक जने साथी के बाढ़ से बगावल बहिले रहे और विद्यार्थी सब बाहर निकल गए रहे। साप्तारी में करंट ला के एक जने की मृत्यु भइल बाटे। सुरुंगा नगर पालिका 11 रामपुर के करंट ला के एक जने की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखल में स्थानीय 50 वर्षीय उर्मिला देवी थरुनी रहल बानी। अपने खेत में विद्युतीय मोटर से पानी तान के लगा के क्रम में करंट ला के उनकर मृत्यु भइल बाटे। घर घटना बारे आवश्यक अनुसंधान हो रहा प्रहरी जानकारी दिलवा।
सिरहा के धनगढ़ी माई नगर पालिका 10 स्थित धनगढ़ी माई होटल एंड लॉज में आज दोपहरिया 1 बजे एक युवक के शंकास्पद मृत्यु भेल बाटे। मृत्यु होकर में धनगढ़ी माई नगर पालिका 3 के करीब 32 वर्षीय प्रमोद कुमार कामती रहल पर रहे जानकारी दिल बाटे। होटल संचालक धर्मा महतो के अनुसार सवेरे 9:30 बजे एक जन महिला संगे आयल कमाती होटल में प्रवेश कैल जानकारी देनी। बहुत समय बीत चुकला बाद समय होटल चेकआउट न भले बाद गेट खोल के देखला पर कामती मृत अवस्था में देखल बाद प्रहरी के खबर कैल होटल संचालक महतो जानकारी दिलवानी। मृतक कामती वैदेशिक रोजगार से आज सवेरे मात्र घर आ पहुँचल परिवारजन जानकारी दिले बाटे। मृतक के पिता राम नारायण कामती विदेश से आवल के तुरंत केहू के कुछ ना कह के बेटा घर से निकल रहनी। मृतक का कामती के श्रीमती सहित 3 बेटा आ 2 बेटी बाटे। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SSE के नतीजा आवला बिही बार तक सार्वजनिक होकर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनैल बाटे। परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बीफे के भीतर नतीजा प्रकाशन करके तैयारी के काम हो रहा जननी। सकभर जल्दी ही SSE के नतीजा विद्यार्थी सबके देवे वाला करके काम हो रहा बाटे। वहाँ कहनी ज़्यादा से ज़्यादा लेट में शुक्रवार तक रिजल्ट आ जाए। बोर्ड अंतर्गत के परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 10 से देश भर से परीक्षा होके आयल उत्तर पुस्तिका के अंक रुजू सहित एंट्री करके तथा अंक के ग्रेडिंग में रूपांतरण करके काम अंतिम चरण में रहा जानकारी दिल बाटे। तैयारी के काम पूरा होला साथ बोर्ड की बैठक बैठ के नतीजा सार्वजनिक कल जाए और वहाँ के कर्मचारी लोग बदल बनी। गत चैत 15 से लेकर 27 दिन तक संचालित परीक्षा में 5,04,414 विद्यार्थी सहभागी रहनी। जन्म में लड़की सब 2,50,772, लड़का में 2,53,627, लैंगिक अल्पसंख्यक 15 जने रहल। उ मध्य 15,749 जने प्राविधिक धरातर विद्यार्थी रहल रहनी। इबेरी नया पाठ्यक्रम के आधार में SSE परीक्षा संचालन भइल रहे तब परीक्षार्थी के मूल्यांकन समेत नया लेट ग्रेडिंग के पद्धति अनुसार होगी। जौन में सैद्धांतिक तरह पंक्ति में 35% अंक न लियल विद्यार्थी नतीजा में नॉन ग्रेडिंग में पड़ी। 2 विषय तक नॉन ग्रेडिंग में परल ग्रेड वृद्धि परीक्षा देवे के मिली आ उससे ज़्यादा में नॉन ग्रेड भैले में दोसर वर्ष फिर परीक्षा देवे के व्यवस्था रहल बाटे। नेपाल सरकार अब सभी प्रकार के सार्वजनिक सेवा सब में राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य करे के निर्णय कैले बाटे। सरकार के स्वामित्व में रहल निकाय संस्था तथा निजी क्षेत्र से प्रवाह कल जाए वाला सेवा सब के खातिर नागरिकता प्रमाण पत्र के बदला में राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य करे के व्यवस्था कर रहा बाटे। ई निर्णय संगे सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वास्थ्य बीमा निवृत्ति भरण सुविधा लगायत के सेवा सब के खातिर राष्ट्रीय परिचय पत्र आवश्यक होगी। लागू होला समय सीमा सरकार राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य करे वाला समय सीमा सार्वजनिक कैले बाटे। सावन 2081 पहला चरण 28 जिले में लागू होगी। माघ 81 में दूसर का चरण में 38 जिले में लागू होगी। ऐसे ही 1 सावन 2082 में तीसर का चरण में देश भर में लागू होगी। नेपाल आयल निगम आए वाला भादो मसांत भीतर पेट्रोल मट्टी तेल लगाए पेट्रोलियम पदार्थ भी पाइप लाइन से लियावे के वाला कर के पूर्वाधार निर्माण के तीव्रता दिले बटे। निगम मोतिहारी अमलेशगंज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना अंतर्गत दूसर का चरण के 75% काम समाप्त भले बाद बाकी रहल काम भी आए वाला 3 महीना भीतर संपन्न करके पेट्रोल मट्टी तेल भी के पाइप लाइन से ही लिया के तैयारी में जुटल बटे। नेपाल आयल निगम मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय अमरेशगंज के प्रमुख विनीत मणि उपाध्याय मोतिहारी अमरेशगंज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना अंतर्गत दूसर का चरण अंतर्गत के मुख्य टैंक निर्माण समाप्त भले बाद अन्य प्रविधि के काम के 3 महीना भीतर संपन्न करके पेट्रोल मट्टी तेल पाइप लाइन लिया के बतैनी। कार्यालय के अनुसार 250 किलोलीटर क्षमता के 2 गो ट्रांसमिशन टैंक निर्माण हो रहा बाटे तथा 24 गो पूर्ण रूप में स्वचालित पेट्रोल भरे वाला स्टेशन निर्माण के काम हो रहा बा। ऐसे ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी 60 करोड़ भारू खर्च करके 4,100 किलोलीटर क्षमता के टैंक 250 किलोलीटर क्षमता के 2 गो ट्रांसमिक्स टैंक आ 3,000 किलोलीटर क्षमता के 2 गो फायर वाटर टैंक निर्माण करत आयल बाटे। पहला चरण का काम संपन्न होकर विक्रम संवत 2076 भादो 25 गते से पाइपलाइन से डीजल के आयात हो रहा निगम जानकारी दिले बाटे। प्रतिनिधि सभा से विनियोजित विधेयक 2081 पारित भइल बाटे। सभा के आज के बैठक में अर्थमंत्री वर्षमान पुन विनियोजित विधेयक 2081 के पारित कैल जाओ कह के राखल प्रस्ताव बहुमत से पारित कैले बाटे। सरकार गत जेट 15 गत संघीय संसद के संयुक्त बैठक में आए वाले आर्थिक वर्ष के खातिर 18,60,30 करोड़ बराबर के बजट प्रस्तुत कर रहनी। प्रतिनिधि सभा में गत जेठ 29 गते से लेकर विनियोजन विधेयक अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय कार्यालय तथा निकाय ऊपर के छल फल शुरू भइल रहे। विनियोजन विधेयक ऊपर विभिन्न मंत्रालय के विनियोजित शीर्षक ऊपर सांसद से उठाओल गई जिज्ञासा के प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्रालय के मंत्री सब जवाब दिले रहनी।
नेपाल प्रहरी कलंकी ट्रेड सेंटर के व्यापारिक शटर हस्तांतरण करे वाला कह के विभिन्न व्यक्ति से 13 करोड़ से ज्यादा ठगी कैल आरोप में उक्त सेंटर के 6 जने संचालक के पकड़ाव कल गल बाटे। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के टोली कलंकी स्थित ट्रेड सेंटर के व्यापारिक शटर हस्तांतरण करे वाला कह के 13,73,52,256 ठगी कैल आरोप में उ लोग के पकड़ाव कल गल आ आज सार्वजनिक कल गल बाटे। पकड़ाव करे वाला में संख्या 61 वर्षीय शांति रमन पंगेनी, काठमांडू के 68 वर्षीय नरेंद्र बजाचार्य, 51 वर्षीय राजू महर्जन, ललितपुर के 62 वर्षीय राजेश कृष्ण श्रेष्ठ, पालपा के 53 वर्षीय निरंजन कुमार श्रेष्ठ, कास्की के 59 वर्षीय चिरंजीवी पौडेल रहल प्रहरी के का नाम रहल बटे। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता परिरीक्षक नवराज अधिकारी कलंकी डेवलपर्स आ मिली लैंड डेवलपमेंट प्रणाली मार्फत कलंकी ट्रेड सेंटर निर्माण करके व्यापारिक शटर हस्तांतरण करे वाला कहकर ठगी कैल उ लोग के पकड़ाव कल गल जानकारी दिल बटे। पकड़ाव पड़ल 6 जन के जिला अदालत काठमांडू से 3 दिन के म्याद थप करके अनुसंधान हो रहा प्रवक्ता अधिकारी बतैले बानी। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज सिमरनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन एफ एम 91.8 मेगाहर्ज गोड़ेता सरलाही द्वारा मापन कल गल अनुसार सिमरनगढ़ गोड़ेता लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहा बा। इसी आज सवेरे 36, दोपहरिया 39 डिग्री सेल्सियस रहा है। आज रात में 29 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रह अनुमान कल गल बा। इसी आज सवेरे 5:13 पर बेरुक है तो सजिया 7:03 में बेर डूबल बा। 12 जिला के सिमरनगढ़ में रहा रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज़ तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरलाही जिला के गोड़ेता में रहा धड़कन एफ एम 91.8 मेगाहर्ज़ तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhadkanfm.com। हमारे पात्रों साथ है नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।